दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो तालाब है यहीं पर सिंघाड़े की खेती की जाती है और ये जो है सिंघाड़े यहाँ पर अभी की कंडीशन में नहीं लगे हुए हैं। यहीं पर जो है लोग खेती करते हैं और ये गर्मी के दिनों में इन्हें तोड़कर मार्केट में सेल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, वेरी इंटरेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त तो मौजूद हूँ मैं गांव मोखमपुरा में, जो कि नेमा जिले से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मनासा तहसील मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है इस गांव में एक सांप ने अपनी जगह बनाई हुई है, तो सीधा हम उसे आज रेस्क्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं हम रेस्क्यू करने के लिए गाँव मोखमपुरा में, आइए मेरे साथ। साथियों इस वक्त हूँ मैं एक पठार क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि मनासा तहसील से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है मोखमपुरा, जो कि एक जंगल के किनारे स्थित है और जंगल के बीचों बीच स्थित है। और यहीं पर जो है काफ़ी दिनों से किसी सांप ने अपनी जगह बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम परिचय करेंगे कि यह सांप जो है किसके यहाँ देखा गया। तो ये इन भैया ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और बुलाया है, तो क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम श्रवण मंजरा है, गांव मोखमपुरा का रहने वाला हूँ, तहसील रामपुरा। ये काफ़ी दिनों से होद में जो सांप रह रहा था, फिर हमने इन भैयों से कॉन्टेक्ट किया, प्रकाश भैया से कॉल किया, फिर इनको बुलाया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी जरा सी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह सांपों को बचाते रहें, जीवों को बचाते रहें और जीवों को बचाने में मेरा सहयोग करें। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ गाँव मोखमपुरा में और यहाँ के गाँव के लोग जो है एक नागिन को बचाने के लिए, एक सांप को बचाने के लिए पूरे गांव के तत्पर हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपने जीवन में ऐसा सांप कभी नहीं देखा था, जो कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा था। और जैसे ही मुझे सूचना मिली तो तुरंत मैं वहां पहुंचा और गांव के पूरे सहयोग से हम जो है एक नागिन को बचाने के लिए निकल चुके हैं आगे की तरफ। और नागिन के बारे में इन्होंने बताया कि जो यह सांप है काफ़ी समय से, लगभग 7-8 दिन हो इसको इस पानी के हौज के अंदर हो गए थे और यहाँ के गांव के लोग हैं सभी एकत्रित हुए और इन्होंने जो इस नागिन को निकालने का प्रयास किया, जो कि इनका प्रयास जो है नाकामयाब रहा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर था कि यह नागिन जो है बाइट कर लेगी हमें। तो वास्तविक में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन किसी ने प्रयास किया लेकिन इनका प्रयास जो है असफल रहा। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं इस वक्त आ चुका हूँ गांव मोखमपुरा में और ये देख सकते हैं पानी के अंदर एक होज के अंदर बैठी हुई है साक्षात नागिन का रूप। और साथियों गांव के लोग जो है यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि यह गांव जो है एक अरावली पर्वत श्रृंखला में है जहाँ पर पहाड़ हैं और जंगल का इलाका है पूरा। तो ये देख सकते हैं साथी, इस होज के अंदर ही एक नागिन है और उसे जो है हमारा निकालने का प्रयास जारी है। और गर्मी बहुत अधिक थी और इसी के बाद जो है बिल्कुल बारिश का समय आ चुका था। और चलिए दोस्तों, अब देख सकते हैं आप लोग और गांव के लोग जो है काफ़ी एकत्रित हो गए थे एक सांप को बचाने के लिए। और इस सांप ने जो है काफ़ी समय से इस होज के अंदर जगह बनाई थी, क्योंकि यह जो है गिर चुका था पानी के अंदर। तो आप लोग जो है हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके घर में कहीं पर भी अगर इस प्रकार के अगर छोटे मोटे होज बना रखे हों तो उन्हें जो है हमेशा देखते रहें, और अगर इसके ऊपर अगर ये पट्टियां जो है सही तरीके से रखी हुई होती तो शायद यह सांप इसके अंदर नहीं गिरता। तो खैर कोई बात नहीं, इनको जो है यह होज जो है उपयोग में नहीं आ रहा था तो इसी वजह से यह वेस्टेज पड़ा था, लेकिन गनीमत रही कि इन्हें इनका जो है यहाँ पर आना जाना लगातार रहता था। तो इन्होंने जैसे ही देखा कि पानी के अंदर सांप है
तो तुरंत मुझे सूचित किया और मैं आ चुका हूँ इस सांप को बचाने के लिए। और यहाँ के गांव के लोग जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि एक सांप को बचाने के लिए मुझे इन्होंने जो है कॉल किया। और मैं आया हूँ 43 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे जो है हमारा निकालने का प्रयास जारी है। और हमारी अगर ज़रा सी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं साथियों, और इस वक्त मैंने देखा कि नागिन जो है काफ़ी आक्रामक रूप में थी, क्योंकि यह जो है बार बार फन निकाल रही थी और काफ़ी परेशान थी, क्योंकि इसे जो है 7-8 दिन इस होश के अंदर हो गए थे। तो साथियों, कहीं ना कहीं सांप जो है आपके घरों तक जो है मेंढक और चूहे की तलाश में, यानी कि भोजन की तलाश में सीधा दौड़ते हुए आपके घरों तक पहुंच पाते हैं। और यह नागिन जो है मेरे हिसाब से किसी मेंढक को खाने के चक्कर में इस पानी के अंदर गिर गई। तो साथियों, वीडियो देखकर जीवन में कभी जो है आप सांप पकड़ने की गलती ना कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण जो है निश्चित ही चले जाएंगे, क्योंकि यह काम जो है किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो आप जो है कभी भी सांप पकड़ने की गलती ना कीजिएगा। और चलिए इसे हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, यह जो है एक साक्षात नागिन है। और साथियों, इसके पीछे जो है एक फन के पीछे दो स्पेक्टिकल यानी कि चश्मे जैसी आकृति बनी हुई है। तो इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वाकई में बहुत ही ख़तरनाक है, और यही इसकी पहचान है, क्योंकि जो भारतीय नाग रहते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और इनके पीछे जो यह आकृति बनी रहती है, यह इनकी सुरक्षा के लिए बनी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब इन्हें कहीं ना कहीं अगर ख़तरा महसूस हो, तो वैसी परिस्थिति में यह सांप जो है एक फन निकालने की स्थिति में आ जाता है। और तब इसके आगे की तरफ अगर ख़तरा महसूस होता है तो यह बिल्कुल ही आगे की तरफ देखता है, और पीछे जो चश्मे जैसी आकृति उसे देखकर जो भी दूसरा जीव है वह डरकर भाग जाता है। तो इसी वजह से यह जो है पाई जाती है चश्मे जैसी आकृति। और मेरे पास जो है स्टिक वगैरह अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि गाँव बहुत दूर था और ऐसे में मेरे साथ भी खतरा हो सकता था, लेकिन बड़ी ही सुरक्षा और सावधानी के साथ इसे जो है हमने बाहर निकाला और प्रयास किया। ये देख सकते हैं साथियों आप लोग, छोटी है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। साथियों देख सकते हैं आप लोग, अभी की कंडीशन में ये जो है अपने आप को एक बड़ा एक हाथी लेवल का दिखाना चाहता है कि मेरे करीब ना आइए, नहीं तो मैं आपको बड़ी आसानी से बाइट कर लूँगा। और यह है भारतीय नाग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और इसकी उम्र जो है तकरीबन अभी 6-7 महीने की होगी। और यह आज जो है मोखमपुरा गांव में आया था, देख सकते हैं आप लोग। और जब यह फन निकाल कर इस तरह की परिस्थिति में खड़ा हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि अपने आप को एक बहुत ही आक्रामक रूप दिखाना चाहता है। और इसमें साथियों, हम वेनम की बात करें तो इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है, जो कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और जब यह पैदा होते हैं उसके बाद ही इनमें जो है वेनम अवेलेबल हो जाता है, और उस कंडीशन में अगर आपको ये बाइट करता है तो वैसे ही आपको जो है बड़ी आसानी से मौत की नींद सुला सकता है। देखिए सत्य आप लोग, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, इस वक्त मेरे सामने मौजूद है भारतीय नाग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक रहता है, खासकर इंसानों के लिए और जानवरों के लिए। और जब ये बाइट करे आपको, तो तुरंत ही आपको पहुंचना है जिला चिकित्सालय और अपना जो है इलाज करवाना है। आपके पास 1 घंटे का समय रहता है, 1 घंटे के समय के अंतराल में आप चले जाइए। अगर हो सके तो अगर यह सांप आपको बाइट करता है तो इसका जो है फ़ोटो आप खींच कर ले जाइए साथ में, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वाकई में मुझे इस सांप ने बाइट किया है, तो आपको सही से उपचार मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इसे पैक कर लिया है। और अगर हमारी ज़रा सी मेहनत आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं साथियों, इसके अब डिब्बे में पैक कर लिया और ले चलते हैं इसको इसके पर्यावरण में। तो जैसा कि साथियों आपने देखा होगा कि आज हमने जो है इस नागिन को रेस्क्यू किया है मोखमपुरा गांव से, जो कि बहुत ही दूर है, और काफ़ी समय लगा इसे रेस्क्यू करने में, क्योंकि हम जो है 1 से 1.5 घंटे के भीतर यहां पर पहुंचे और इसे फाइनली रेस्क्यू किया। तो इसे चलिए फटाफट बाहर निकालते हैं, और छोटा माल है लेकिन धमाका बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब ये बाइट करती है तो आपके प्राण निश्चित ही ले सकती है।
क्योंकि इस गांव के आसपास हॉस्पिटल नहीं है और जब ये बाइट करती है तो आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा हॉस्पिटल तक पहुंचने में, तब तक आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से चले जाएंगे। तो जीवन में जो है कभी भी इन सांपों के साथ छेड़खानी ना करिएगा। चलिए इसे बाहर निकालते हैं फटाफट। देख सकते हैं साथियों काफ़ी क्रोधित है, काफ़ी गुस्से में है। करीब आ जाओ सर थोड़ा। साथियों देख सकते हैं आप लोग, यह है भारतीय नाग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। साथियों दिखने में जितनी छोटी है उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि जब यह बाइट करती है तो 1 घंटे के भीतर जो है आपके प्राण बड़ी आसानी से ले सकती है। इसमें साथियों हम वेनम की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है खासकर इंसानों के लिए और जानवरों के लिए। और जब यह बाइट करती है तो आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच जाना है। साथियों दिखने में छोटी है और इसी छोटी का अंदाज़ा लोग लगा देते हैं कि छोटी है क्या बाइट करेगी, लेकिन जब यह छोटी रहती है, जब यह पैदा हो जाते हैं तो प्रकृति के अनुकूल इनके अंदर जो है वेनम अवेलेबल हो जाता है। और चाहे यह बाइट करे आपको, चाहे ये बड़े रूप में बाइट करे आपको, निश्चित ही आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से ले लेगी। साथियों वीडियो देखकर जीवन में जो है आप सांप पकड़ने की कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से चले जाएंगे। और इसे ये लगभग जो है एक पानी के होज के अंदर थी, लगभग ये काफ़ी समय से थी, 5 से 7 दिन हो गए थे। गांव वाले काफ़ी परेशान थे और इन गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक छोटे से जीव को बचाने के लिए इन्होंने जो है मुझे कॉल किया और बुलाया। तो आज इसे फाइनली हमने सुरक्षित बचाया है, क्योंकि यह है भारतीय नाग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। और इसकी आकृति आप देख कर अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी खतरनाक हो सकती है। देख सकते हैं साथियों, और ये ऐसी जब फन निकालती है तो बहुत ही खतरनाक होती है ऐसी स्थिति में। अभी इसका जो है आक्रामक रूप है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। और जीवन में वीडियो देखकर कभी कॉपी ना कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण निश्चित ही बड़ी आसानी से चले जाएंगे। करीब स्वान ले लो, बिल्कुल देख सकते हैं साथियों। और जब ये ऐसी स्थिति में आ जाती है तो ये आपको जो है अपने आप को एक हाथी से भी बड़ा दिखाने का प्रयास कर रही है कि मेरे पास, मेरे करीब ना आइए, नहीं तो आपके प्राण जो है मैं बड़ी आसानी से ले लूँगी। देख सकते हैं साथियों आप लोग, और इसकी बनावट आप देखिए, इसके पीछे जो है चश्मे जैसी आकृति, यानी कि बहुत ही ये चश्मे जैसी आकृति बनी है। तो इसी से आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो है भारतीय नाग है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। ये देखिए साथियों बहुत ही खतरनाक है, जब यह बाइट करती है तो बड़ी आसानी से आपको मौत की नींद सुला सकती है। साथियों वीडियो देखकर जीवन में कॉपी ना कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से चले जाएंगे। देखिए बहुत ही खतरनाक है, और यह जो है लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल में पानी के होज के अंदर पड़ी हुई थी। तो इसे गांव वालों ने निकालने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास जो है असफल रहा। तो इसे आज फाइनली हमने रेस्क्यू किया सुरक्षित, और इसे हम रिलीज़ करने के लिए लेकर आ गए हैं। देखिए साथियों काफ़ी क्रोधित हैं अभी की कंडीशन में। साथियों इसकी अधिकतम लंबाई जो है पूरे भारत में 5 फीट से अधिक ही पाई जाती है, और अभी की कंडीशन में इसकी जो है लंबाई है वह समथिंग 8 इंच से 9 इंच के समथिंग इसकी लंबाई है। और यह जितनी छोटी है उतनी ही खतरनाक है, जब यह बाइट करती है तो आपको जो है बड़ी आसानी से मौत की नींद सुला सकती है। हेलो देख सकते, चलिए दोस्तों अब इसे जो हम रिलीज़ करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, ज़रा सी हमारी मेहनत, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह सांपों को बचाते हुए, रेस्क्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आइए मेरे साथ सीधा से हम रिलीज़ करते हैं। देख सकते हैं साथियों आप लोग, अभी हमने जो है इसे सुरक्षित रिलीज़ कर दिया है। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमने जो है एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग या नागिन जिसे आप कह सकते हैं, तो उसे आज फाइनली हमने जो है सुरक्षित रिलीज़ कर दिया है। और ये भैया जो हैं, हम वीडियो देखते हैं तो देखकर ही सीधा रुक गए। तो भैया कब से देख रहे हो वीडियो आप?
काफी टाइम से देख रहे हैं भाई की वीडियो। अच्छा, साल से देख रहे हैं तो वीडियो से ही पहचाने हो। वीडियो से ही पहचाने हो तो एक बार क्या कहना चाहोगे? भाई को सपोर्ट करो और फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो भाई को, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सांपों को जीवों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।